हेलो गाइस कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी ये है एम सी क्यू मैराथन पार्ट टू ऑलरेडी एम सी क्यू मैराथन पार्ट वन वेब टेक्नोलॉजी का लॉन्च हो चुका है जो कि ऑलरेडी आप जा कर के एन आई सी के फुल कोर्स के प्ले लिस्ट में भी देख सकते हो या फिर वेब टेक्नोलॉजी का जो प्ले लिस्ट है उसमें भी आप देख सकते हो तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं आज हम लोग एम सी क्यू मैराथन पार्ट टू देखने जा रहे हैं जो भी जो कि ट्वेंटी फाइव प्लस क्वेश्चन है इसमें ऑलरेडी और लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा ताकि आप लोग सॉल्व करके कमेंट में डालिए फर्स्ट वीडियो पे जो लोगों ने भी देख लिया है ऑलरेडी क्लियर है उनका कॉन्सेप्ट तो फिर ठीक है अगर कुछ इश्यूज है तो कमेंट कीजिए वो भी आपका क्लियर किया जाएगा अभी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताते जाऊंगी और आपकी मर्जी आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो और अगर याद रख सकते हो तो याद रखो क्योंकि ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है ऑलरेडी बहुत सारा जो पॉइंट क्वेश्चन आएगा वो आपको प्ले में जो पढ़ाया गया वेब टेक्नोलॉजी उससे क्वेश्चन है तो आप प्ले लिस्ट जा कर के कम्प्लीट करें जिन्होंने कम्प्लीट नहीं किया है और पैर आप एम सी क्यू मैराथन भी आप देख सकते हो और अभी तो ये एम सी क्यू मैराथन वेब टेक्नोलॉजी का है प्लस आपके और सारे सब्जेक्ट्स का भी मैं एम सी क्यू मैराथन लेकर के आ रही हूँ जिनको जिनको एम सी क्यू का सेट चाहिए जो चाहते हैं कि किसी किसी सब्जेक्ट पे एमसीक्यू का मैं मॉक टेस्ट लॉन्च करूं तो आप सब्जेक्ट कमेंट में लिखिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट का एमसीक्यू मैराथन चाहिए फिर आपको वो चीज बिल्कुल लॉन्च किया जाएगा और अभी वेबटेक पे हो रहा है नेक्स्ट हम लोग आपके अकॉर्डिंग आप बताओ कि आपको कौन सा चाहिए जिस पे ज्यादा वोट होगा उसका मॉक टेस्ट बनाया जाएगा ठीक है तो पहला क्वेश्चन है हमारा आ, कुछ सेकंड्स दिए जाएंगे आपको सेल्फ एनालिसिस करने के लिए क्वेश्चन डाल के कि आप खुद को सेल्फ एनालाइज करो कि आप आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो और उसके बाद मेरी आंसर टिक होने का आप वेट करो ठीक है तो यू आर एल इंक्लूड्स यू आर एल जो होता है आपका वो क्या क्या इंक्लूड करता है खुद में पहला प्रोटोकॉल टाइप पाथ ऑफ वेब रिसोर्स डोमेन नेम एंड पोर्ट टाइप या ऑल ऑफ दी एवप आप जो यू आर एल किसी का यू आर एल लिंक जो आप किसी को सेंड करते हो या यू आर एल जो सर्च करते हो उसमें क्या क्या होता है प्रोटोटाइप पाथ ऑफ वेब रिसोर्स डोमेन नेम एंड पोर्ट टाइप आपके पास अभी आप इसको सॉल्व करो मैं आंसर बताती हूँ इसका आंसर होता है ऑल ऑफ दू आपका एल जो है इंक्लूड करता है प्रोटोकॉल टाइप पार्ट ऑफ वेब रिसोर्स एंड पोर्ट टाइप ये याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी जितने बच्चों ने भी पहला क्वेश्चन का आंसर सही किया है वो प्लस वन कर लीजिए अपने सीट पे एक तरीके से आपका लाइव आप क्या बोल रहे हो लाइव असेसमेंट हो रहा है कि आपको सेकेंड दिया जा रहा है साथ में आप आंसर चेक करो प्लस वन कर लो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट अ वेब सर्वर इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वेब सर्वर नहीं है मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा दिया है आपको कि वेब सर्वर क्या होता है और वेब सर्वर कितने टाइप्स के हैं और कौन कौन से हमारे मार्केट में हम यूज कर रहे हैं तो आप पहले सॉल्व करो इसको मैं बताती हूं इसका आंसर इसका आंसर है पाइथन क्यों है क्योंकि पाइथन जो है हमारा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ठीक है सबसे पहले तो इसको यहीं पे लिस्ट कर लो कि पाइथन जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अपाची हम लोग ऑलरेडी लो जानते हैं आईएएस और मोंगोज ये हमारा क्या है वेब सर्वर जो नाम आप इसमें से नहीं जानते थे वेब सर्वर का उसको आप नोट कर लो कि ये भी एक वेब सर्वर है ठीक है और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसका आंसर क्या है पाइथन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ वेब डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट करने के लिए जो फंडामेंटल चीजों की जरूरत होती है उसमें से कौन सा ऐसा चीज ये है जो नहीं है मतलब कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इनिशियल बेसिक फेज में आपको वेब डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगा ऑप्शन वन सी एस एस सेकेंड एस टी एम एल थर्ड जावा स्क्रिप्ट और फोर्थ इज जावा कौन सा ऐसा फंडामेंटल कंपोनेंट है जो वेब डेवलपमेंट के बेसिक में जरूरत नहीं पड़ता है ये पॉइंट एग्जैक्टली exactly पढ़ाया गया है आप लोगों को uh, प्ले में आप चेक करो आपको जो ट्यूटोरियल दिए गए हैं उसमें पढ़ाया गया है कर लिया सॉल्व ठीक है तो अब मैच करते हैं इसका आंसर होगा जावा जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लेकिन एक एक ढांचा जब हम वेब डेवलपमेंट का बनाना चाहते हैं हम कोई वेबसाइट का या वेब पेज का कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सी एस 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 टी एम एल एंड जावा स्क्रिप्ट इज एनफ गॉट इट जावा तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं उसको एक स्ट्रक्चर uh, देने के लिए मतलब इसको उसको आप सही वे में इंप्लीमेंट करने के लिए उसको एडवांस वे में बट बेसिक वे में यही तीन चीज की जरूरत है समझ गए चलो प्लस वन कर लो जिन्होंने सही किया था पच्चीस क्वेश्चन है देखते हैं पच्चीस में आप लोग कितना सॉल्व करते हो नेक्स्ट है दी डैश एट्रीब्यूट इज एन एलिमेंट इंसर्ट अ बटन दैट वेन क्लिक विल क्लियर द कॉन्टेंट ऑफ रीसेट कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको इंसर्ट करने से बटन में बटन के टाइप में आप क्लियर कर सकते हो कंटेंट टू रीसेट मतलब वापस से आप कंटेंट को आप रीसेट कर सकते हो टाइप रीसेट टाइप थ्रेड टाइप इनपुट या सभी तरीकों से सॉल्व कीजिए आइए मैं बताती हूं इसका आंसर इसका आंसर है टाइप रिसेट याद रखिएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डैश इज द टेक्स्ट बिटवीन स्टार्ट एंड 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 टैग डैश इज द टेक्स्ट बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड टैग मार्कअप टेक्स्ट कॉन्टेनर एलिमेंट कैरेक्टर डेटा या प्रोसीड्यूर सॉल्व कर लिया ठीक है तो अब मैं बताती हूं इसका आंसर कैरेक्टर डेटा एक्सप्लेन भी करती हूं कैरेक्टर डेटा के बारे में इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड टैग ऑफ एस टी एम एल एंड एक्सएमएल टैग कैरेक्टर डेटा जो होता है ये टेक्स्ट बिटवीन कैरेक्टर डेटा इज द टेक्स्ट बिटवीन स्टार्ट एंड एंड टैग ओके बोथ इन एस टी एम एल एंड XML. याद रखने की जरूरत है कैरेक्टर डेटा वॉट इट अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डैश फाइल डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द XML डॉक्यूमेंट कौन सा ऐसा फाइल है जो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ द XML डॉक्यूमेंट ये भी ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है ठीक है सॉल्व कीजिए इसको आइए मैं बताती हूं इसका आंसर इसका आंसर होगा डी टी डी डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन राइट दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द डीटीडी फाइल डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम डॉक्यूमेंट ओके जिन्होंने सही किया है वो प्लस वन कर लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ क्लाइंट डैश इज अ सर्विस अ क्लाइंट डैश इज अ सर्विस क्लाइंट क्या करता है सर्विस को रिक्वेस्ट अ सर्विस प्रोवाइड अ सर्विस या फिर दोनों तो इसका आंसर आप लोग बताइए मैं बताती हूं इसका आंसर अ क्लाइंट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट अ सर्विस क्लाइंट क्या करता है रिक्वेस्ट करता है सर्विस को ये मैंने अपने वेब टेक्नोलॉजी के लेक्चर टू में बताया है तो आप जा कर के ट्यूटोरियल uh, देख सकते हो वेब टेक का अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा मैं क्वेश्चन लिखते जा रही हूं तब तक आप अपना आंसर कर लो और क्वेश्चन लिखते ही मैं आंसर करूंगी आपको क्वेश्चन है वाईफाई इज अ सॉर्ट नेम ऑफ क्वेश्चन मार्क पहला वायर्ड फेडिलिटी वायरलेस फेडिलिटी वायरलेस फ्रीक्वेंसी वायरलेस फ्रीक्वेंसी या चौथा नॉन ऑफ द एव बताइए क्या होगा इसका आंसर मैं बताती हूं इसका आंसर इसका आंसर होगा वायरलेस इडिलिटी करेक्ट नोट कर लीजिए कहीं भी और जिन्होंने सही किया है वो प्लस वन कर लें अगर आपका क्वेश्चन में अटैम्प्ट सही जा रहा है बच्चे आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है आप प्लस वन करते जा रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में हो और जो नहीं कर पा रहे हैं वो प्लेलिस्ट आप एक बार पढ़ लीजिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए तो उससे क्या होगा आपके भी क्वेश्चन सही लगने लगेंगे प्रैक्टिस जरूरी है अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चंस पढ़ते जाइए पैरेलली ताकि टाइम ना लगे फिर हम लोगों को कंपेयर करने में चलिए क्वेश्चन है हमारा ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट क्या होना चाहिए इसके पास एक आईबीएम का पीसी होना चाहिए या मॉडेम कनेक्शन होना चाहिए या यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होगा आप बताइए जीरो मार्क्स या एक मार्क्स तो देखिए मॉडर्न कनेक्शन तो जरूरी ही है कि आप वाईफाई वगैरह हो लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए जिन्होंने सही किया है वो प्लस वन कर लीजिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर टेन रोज इतना प्रैक्टिस करेंगे तो काफी क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा ये वेब ब्राउजर इज एन एस टी टीपी बताओ जल्दी क्लाइंट सर्वर एजेंट या ऑल एक बेब ब्राउजर जो है इज एन एस टी टी पी वॉट ए ब्राउजर इज एन एस टी टीपी क्लाइंट ए ब्राउजर इज एन एस टी टीपी सर्वर या ए ब्राउजर रीजन एच टीपी एच टी एजेंट या सब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? क्लाइंट जिन्होंने सही किया है वो प्लस वन कर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलेवेंथ क्वेश्चन फटाफट से पच्चीस क्वेश्चन खत्म करने हैं और कुछ क्वेश्चन खुद टेस्ट करने के लिए लेने हैं जो हम लोग को कमेंट में आंसर करना है जिन्होंने मैराथन वन नहीं देखा है एमसीक्यू वेब टेक्नोलॉजी का वो भी इसके बाद देख ले अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और इस सब्जेक्ट से 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है और अगर आप किसी और एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हो ना मतलब राजस्थान संगणक वाला या फिर बीपीएससी टीचर वाला वो सब में भी एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चंस आपको इससे आ सकते हैं क्योंकि वेरी बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन है आप एज अ टीचर भी जाओगे तो आपको ये सब चीजें स्टूडेंट को डेफिनेटली पढ़ाना ही पड़ेगा तो हमारा क्वेश्चन क्या है एस टी एम एल यूजेस ठीक है आंसर करो आप लोग पहले खुद से प्री स्पेसिफाइड टैग्स होता है इसका यूजर डिफाइंड टैग्स होते हैं इसके टैग्स ओनली फॉर लिंकिंग होता है या फिक्स टैग्स डिफाइंड बाई द लैंग्वेज क्या होता है html इज अ मार्कअप लैंग्वेज जिसके जिसका ऑलरेडी टैग जो होता है ना वो फिक्स्ड होता है तो ये है इसका आंसर फोर्थ वन क्या हम लोग यूजर डिफाइंड टैग कर सकते हैं नहीं ये हम लोग xml में कर सकते हैं राइट right? जिन्होंने सही किया है वो प्लस वन कर लीजिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फिर है क्वेश्चन 12 हमारा फटाफट से सॉल्व करते जाते हैं बिना देर किए क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब नाम सुना है डब्ल्यू 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 इज अनदर नेम ऑफ इंटरनेट कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है सही है बोथ जो अभी दूसरा मैं दूंगी स्टेटमेंट एक कलेक्शन

इज अनदर नेम ऑफ इंटरनेट ओके काम करते हैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लीकेट कर देते हैं वर्ल्ड वाइड कनेक्शन फॉर कंप्यूटर इज अनादर नेम ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड वाइड कनेक्शन फॉर कंप्यूटर ए कलेक्शन ऑफ लिंक इंफॉर्मेशन डिसाइडिंग ऑन कंप्यूटर कनेक्टेड बाई द इंटरनेट आंसर ये है सही किया है प्लस वन कर लीजिए गुड गोइंग स्टूडेंट्स नेक्स्ट है थर्टींथ क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है हमारा विच symbol can be used at the beginning beginning of the text is Pella has has सॉरी सेकेंड, फर्स्ट वन इज हैज सेकेंड वन इज द डॉलर थर्ड वन इज दसेंट एंड विच सिम्बॉल कैन बी यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द एच आर एफ टेक्स्ट इज क्या होगा आंसर हैज जिन्होंने सही किया है वो प्लस वन कर ले बहुत इजी इजी क्वेश्चन है इजी टू डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन है लेकिन ये इतने जरूरी क्वेश्चंस हैं कि आप मिस कर सकते हो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बस फटाफट से करते हैं सारे क्वेश्चंस फॉर्म विच टैग फॉर्म विच टैग डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट्स कौन सा ऐसा टैग है जो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को शो करने के लिए यूज करते हैं आंसर मेरे उप, मैं ऑप्शन लिख रही हूं आप लोग कर लो कैलकुलेट डीएल डीएस फ्रॉम विच टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट्स इसका आंसर होगा DL मार्क किया है आपने यही तो सही है प्लस वन कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन है करेक्ट एच टी एम एल टैग फॉर द लार्जेस्ट हैडिंग एज ऑलरेडी इसके रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछ भी लिए गए हैं आप लोग को बता भी दिए गए हैं और अब भी नहीं कर पा रहे और सॉल्व मतलब दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन इसमें जो आपसे पूछा गया है क्योंकि ये रिपीटेड कॉन्टेक्ट कंटेंट मैं बार बार आपको बता रही हूं करेक्ट एस टी एम एल टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग इज एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स छह ही होता है तो सबसे पहले तो यह गलत है और हेड नहीं होता यह गलत है अब कंफ्यूजन है एच वन और एच सिक्स में इसको इसलिए काटा ताकि आप अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सको बड़े से स्टार्ट होता है छोटा होते चला जाता है ठीक है तो ये भी कट गया और ये स्मॉलेस्ट है और ये है हमारा लार्जेस्ट दिस इज द करेक्ट आंसर जिसने ये सही किया है वो मेरे तरफ से प्लस टू ले ले क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने काफी बार करवाया है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे बात करते हैं ए टैग इन एच टी एम एल इज यूज फॉर ऑप्शन सुनिए पहला ऑप्शन है लिस्ट लिंक्स एड्रेस या ऑल ए टैग का हम क्यों यूज करते हैं ए टैग इन एस टी एम एल इज यूज फॉर लिस्ट जिसने सही किया है वो प्लस वन ले ले ऑनलाइन आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है बस फर्क यही है कि आप ऑनलाइन अपना चेक करते जाओगे क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विच विच टैग इज अंटेनर कौन सा ऐसा टैग है जो कॉन्टेनर की तरह काम करता है बॉडी बी आर एच आर टी डी कर लिया आंसर यस यू आर राइट बॉडी सही किया है प्लस वन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर एटीन विच इज ट्रू about i frame tag question mark pahla it's in line frame it's outline frame both none which is the true statements about iframe tag yes you are right it's inline frame जिन्होंने सही किया है वो plus one कर लें next है हमारा 19 question एक आधी क्वेश्चन लग रहा है ज्यादा ही हो गया मेरा ट्वेंटी चल रहा होगा आई थिंक ब्राउजर्स विल यूजली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट इन दी टैग I, I em, u. Yes, you are right. The answer is u plus one. The next question is how to specify individual items in an ordered list answer pehla, Li l i u l ओ एल नॉन ऑफ द एव क्या होगा स्टूडेंट्स इंडिविजुअल आइटम्स इन द ऑर्डर लिस्ट एल आई येस यू आर राइट प्लस वन नोट करते जाओ जो कर रहे हो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन राइट बस कुछ क्वेश्चन और आइडेंटिफाई द Individual input tag type attribute value. Sorry, identify the invalid. Radio box Identify the invalid input tag type attribute values. Radio box plus one. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी टू विच वन इज द वैलिड एंड ब्यूट ऑफ बॉडी टैग पहला है कलर दूसरा है इमेज थर्ड वन इज टेक्स्ट फोर्थ वन इज फ़ॉन्ट, विच वन इज द वैलिड एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग आंसर इज टेक्स्ट, राइट टेक वन मार्क्स फॉर दिस लास्ट में बताना सबको कितना कितना स्कोर आया ट्वेंटी थ्री एच टी एम एल टैग आर रिकॉगनाइज एज पहला सेकेंड थर्ड फोर्थ नन ऑफ द एवर एच टी एम एल टैग को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं राइट आंसर प्लस वन करेक्ट नाउ द लास्ट टू क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट हाउ कैन बी एक आप लोग से रिक्वेस्ट है जितने लोग देख रहे हैं अच्छे से देखे चीजें समझ में आई तो प्लीज उसको लाइक कीजिएगा मुझे भी समझ में आता है कि कितने लोग पसंद कर रहे हैं और आ, मतलब कितने लोग फुल वॉच कर रहे हैं कलर ऑफ और एक चीज़ है नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का चाहिए आपको मैराथन वो मेरा क्वेश्चन है आपसे उसका भी आंसर चाहिए बैकग्राउंड कलर कलर क्या क्वेश्चन है हाउ कैन बी चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट कैसे करेंगे बैकग्राउंड कलर से प्लस वन जिन्होंने सही किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइए देखते हैं फुल एंड फाइनल लास्ट क्वेश्चन है ये सीएसएस का क्वेश्चन था हाउ कैन वी चेंज दी टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट पहले क्या था बैकग्राउंड कलर था अभी क्या है टेक्स्ट कलर है तो कैसे करेंगे ऑप्शन सेम वही है बैकग्राउंड कलर दूसरा है कलर तीसरा है बोथ फोर्थ है नन ऑफ द एव क्या होगा आंसर कलर कलर इज द राइट आंसर ओके प्लस वन अब एक दो क्वेश्चन मैं दे रही हूं मेरे तरफ से जिसका आंसर मुझे चाहिए लास्ट एमसीक्यू uh, मैराथन में आंसर दिया है शायद अंकित ने दिया है तो ही इज राइट नेम लिस्ट नहीं है बट एक स्टूडेंट ने दोनों का आंसर दिया है uh, दोनों ही आंसर सही है एंड वेरी गुड क्वेश्चन लिखिए अ सर्वर डैश अ सर्विस रिक्वेस्ट प्रोवाइड एर बी एंड बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन हाउ मैनी वेज कैन सी एस बी रिटेन इन पहला दूसरा तीसरा चौथा और आपका ऑप्शन भी यही है वन टू थ्री फोर लिखिए इस क्वेश्चन को इसका आंसर आप लोग बताओगे मुझे अ सर्वर डैश अ सर्विस रिक्वेस्ट प्रोवाइज ए और बी ए एंड बी दूसरा क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन सी एस एस बी रिटन इन एक मेथड है दो तीन चार कितने वेज में सी एस एस को आप लिख सकते हो इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट में ठीक है जिन और जिन्होंने सॉल्व किया है सेल्फ एनालाइज किया है और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वेरी गुड और जिनके नहीं आ रहे हैं थोड़ा मेहनत कीजिए और एक सवाल और इसके साथ है एक सवाल और क्वेश्चन नंबर थ्री कौन से सब्जेक्ट पे आपको चाहिए एमसीक्यू मैराथन मॉक टेस्ट आज के लिए इतना ही बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड बाय